आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी दही पनीर। मैं इसमें आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, अगर आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपकी करी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम्स दही ले लिया है। हम दही पनीर बना रहे हैं इसलिए दही की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून बेसन ले लिया जिससे हमारा जो दही है वो फटेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, जैसे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 2/3 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबलस्पून नमक। और अब हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे जिससे हमारी जो सब्जी है वो जो दही है वो फटे ना। और इस तरीके से मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लिया है। और अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। और अब मैंने यहाँ पे पैन पे 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है। और यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून सरसों ले लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 स्प्रिंग करी लीव्स ले लिया है और 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। और अब हम इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है। और अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स पनीर ले लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा और हल्दी डाल देंगे, 2/3 टेबल स्पून। 2/3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है और 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। मैं इसमें ये सब मसाले कम इसलिए डाले क्योंकि ऑलरेडी मैंने दही में पूरे मसाले डाले हुए हैं। और अब हम इसे पनीर को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पनीर भी फ्राई हो चुका है। और अब हम इसमें जो दही हम बीट करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूसली इसे पूरे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अब हम इसे बॉईल होने तक मीडियम फ्लेम पे हम इसे कंटिन्यूसली ऐसे स्टर करते रहेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये अब बॉईल होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए और पकने देंगे। और अब 5 मिनट्स हो चुके हैं, हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप ध्यान रखिए, आप जब भी दही पनीर की रेसिपी बनाएं तो आप गैस का फ्लेम ऑफ करके ही उसमें दही डालें और दही में बेसन ज़रूर डालें जिससे हमारा जो दही है वो नहीं फटेगा। तो इस तरीके से हम दही पनीर की रेसिपी बनाएंगे। और यहाँ पे मैं इसे ग्रीन चिली से इसे गार्निश करी हूँ और थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा दही पनीर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।